चलो कुछ नहीं होता, टीवी के पास उठ जाओ साथ यार, साथ डिप्रेशन में चला गया क्या, कुछ नहीं होता साथ, कोई नहीं फिर से आ लेंगे अगली बारी। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। भाई आज आपके भाई ने इंडिया होना था यार, मैच देख रहे होना था, एंजॉय कर रहे होना था, शुगर मेला लगा रहे होना था, जिस तरह हम लगाते हैं दुबई में, पाकिस्तान में इंडिया होता है हम वहाँ पे शुगर मेला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे वीजा पॉलिसी है ना उसी हुई यार, मेरा दिमाग खराब हो गया यार, कल रात सारी मैं डिस्प्रेशन में गया हुआ था यार। कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है वर्ल्ड कप 14 अक्टूबर अहमदाबाद के अंदर, और भाई क्या खेल रहा है पाकिस्तान। लेकिन यार मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि यार काश मैं होता इंडिया में अहमदाबाद के अंदर टीम को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल तरीके से कुछ देख लेंगे, कुछ जुगाड़ वीजे वूजे का बाकी के मैचेस के लिए, अभी तो कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई है, थोड़ा अंदर घुस के जो है ना कुछ ताल्लुकात लगा के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। निकल एनीवेज वेलकम बैक हो गए तुम सब कह रहे थे व्लॉग के अंदर, अगर अभी तक तुम लोगों ने डक्की भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया हो तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। आज मैंने डिसाइड किया कि आज जो है ना आपका भाई मैच देखेगा बस घर बैठ के सुकून से। तुम लोग देख सकते हो घर में भी जो है सारे मैच मूच देख रहे हैं, ठीक है, मैच का फुल माहौल बना हुआ है घर पे भाई। ओए मुनीब आप ना देखो यार, वरना फटाफट हार जाएगा पाकिस्तान यार। अच्छा तो मैंने कहा मैच देखते देखते थोड़ा जो है ना मसाला करते हैं, कैसे हो, ठीक हो? मैंने बुला लिया है बॉयज को, है यार मैच बड़ा अच्छा खेल रहा है पाकिस्तान भाई, ओवर में 2 आउट हो गए हैं, अल्लाह की कसम 5 आउट हो गए हैं 166। कैसे हो आप, ठीक हो? आप तो शर्ट भी लेके आई हुई हो, तो फुल पाकिस्तान को जिता के जाएंगे। तुम्हारी भी शर्ट है, क्या बात है भाई, पाकिस्तान जीतेगा। आउट हो गए टीम ग्रीन के, टीम ग्रीन आओ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अभी जो है ना हमारे साथ 5 लोग हैं, मैं, अरूब, इकरा, फातिमा और अरीब, और यहाँ पे जो है ना उतनी बैठने की जगह नहीं है, तो हमने सोचा टीवी को उठा के जो है ना ये यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, जगह भी ठीक है, मॉल भी ठीक है। अरीब भाई यार 2 मिनट आना बस, टीवी उठा के रखना, चलो चलो चलो, बहुत भारी है भाई, ध्यान से रख दो, सांस को रख दो पहले, भाई अभी टीवी शिफ्ट किया ही है, पाकिस्तान के 7 आउट हो गए हैं यार, टीवी शिफ्ट करते करते बस हम वहाँ उस टेबल से इस टेबल पे लेके आए हैं और 7 आउट हो गए हैं। तुम लोग को लास्ट क्लिप पे दिखाया था कि 2 आउट थे, चौका हो गया भाई, भाई सोली सोली जो है ना पाकिस्तान खेल रहा है अच्छा, लेकिन 7 आउट हो गए तो 200 भी बड़ी मुश्किल से बनाएगा। मैं तो कहता हूँ कि रोटी छोटी खा लेते हैं, ये इसी से एंजॉय कर लेते हैं, खाना शाना खा के, मैच से तो एंजॉय हो नहीं रहा। भाई कुछ रोटी छोटी मंगा लेते हैं, अरूब यार क्या मंगाए, बर्गर से पिज्जा का खाया, हरामी हरामी भाई, चौका हो गया भाई, चौका हो गया भाई, ऐसा ऐसा खेल रहा है पाकिस्तान, ऐसा ऐसा माहौल गर्म हो रहा है भाई। भाई तुम लोग कहते हो डक्की भाई आपके स्टेडियम जाने से माहौल खराब होता है, वहाँ पे पाकिस्तान खेल नहीं पाता, हार जाता है, मैं घर बैठा हूँ अपने सोफे पे पेट लेके, और तुम लोग अब देखो ना पाकिस्तान जो है 200 भी बड़ी मुश्किल से बना रहे यार। चुप कर कुत्ते, कैच पकड़ने वाले, कैच पकड़ने वाले, कैच पकड़ने वाले, आउट हो गया भाई, भाई 9 आउट हो गए, ये तो 200 भी पूरा नहीं हुआ। रूपी की तुम मैच देख रही हो इस वजह से, जी नहीं जिंदगी में तुमने मैच नहीं देखा तो पाकिस्तान अच्छा खेल रहा। भाई अब तो कहते हो ना कि आपका भाई पनौती नहीं है, मनुष्य नहीं है कि स्टेडियम जाते तो पाकिस्तान हारता है, पाकिस्तान मेरे यहाँ पे बैठ के भी हार ही रहे, बात तो सही है। ओए 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 ओए, बचत हो गई, मोटे उंगली ना उठाई, निकल ये हो रहा है, देखते हैं क्या पता हो सकता है आउट हो जाए, ओए आउट लग रहा है, आउट हो गया भाई, पाकिस्तान ने 200 भी नहीं किया और पूरी टीम आउट हो गई है भाई। 191 स्कोर। हमारी रोटी छोटी आ चुकी है, कैसे हो, ठीक हो आप, पाकिस्तान मैच आ रहे हैं यार, क्या करें हैं, क्या करें सर, बोर हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कोई रोटी छोटी मंगा लेते हैं। पहले मैं डिलीवरी नहीं था कर रहा, अच्छा कर रहा हूँ ये सिचुएशन, अच्छा अच्छा, पहले मैच देख रहे थे, मैं को घंटा लेट हो गया ऑर्डर है, मैच तो नहीं देख रहे थे आप? नहीं मैच देख रहा था, पर ये बात ये कि अब जो कुछ परफॉर्मेंस हो ही नहीं रही तो क्या करें, परफॉर्मेंस नहीं हो रही यार, बस देख लें क्या करें। आए 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 खाओ, ओए ओए ड्रिंक ड्रिंक कर गई, ओए फिर तुम लोग कहते हो कि डक्की भाई आप स्टेडियम में जाया करो, तुम लोग ही वैसे हो रहा सारा,
भाई पाकिस्तान अच्छा खेल नहीं रहा यार, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज मेरे ख्याल से पाकिस्तान का दिन नहीं है भाई, बर्गर मुका के जो है ना हम एंजॉय करना पड़ेगा। सर मैच तो हार रहे पाकिस्तान, ठीक है इंडिया फेंटा पे फेंटा लगाने, तो हमने कहा किचन में आते हैं चाय शाय बना लेते हैं, खुद भी पीते हैं, मेहमानों को भी पिलाते हैं। अब सारी चाय मैं अरूप से बनवाऊंगा, फिर मैं ऊपर जाके शोखियां मारूंगा कि चाय सारी मैंने बनाई है भाई। यही क्या बना हुआ है? दाल है। दाल बनी हुई इतनी लेवल की, हमने ऐसी बेकार सा बर्गर मंगा लिया था। क्या लेवल की दाल है भाई, मजा आ रहा है। किस तरह खा रहे हो? देखना ही बोतल ऐसे खोल के चला गया, ये सारे काम मैं करती हूँ बाद में। चाय में जो है उबाल आ गए, इसमें हम लोग डाल लेते हैं पत्ती। ज्यादा नहीं डाल दी मैं, है चाय बनाई हुई, बड़ा टाइम हो गया, मुझे नहीं पता कि पत्ती डालनी कितनी होती है, डाल देते जितनी भी है भाई। इलायची कितनी डालनी होती है भाई? साथ जगलियों की तरह डाली ना, तो फिर तो थोड़ी सी इतनी इतनी बहुत है। चलो जी, ओए प्रोफेशनल लोग इसी तरह चाय बनाते हैं। रूप तुम चुप करो, किचन में मत आया करो, मैं तुम्हें एक जाती मशवरा दे रही हूँ, किचन में मत आया करो। अच्छा हमको सिखा रही है? तुम मेरे बताए बगैर मुझे चाय ला दिया करो ना यार, है मैं नहीं आता किचन में, खाना मुझे खिलाती नहीं हो, पूछती नहीं हो तुम मुझे। झूठा मोटा। दूध भी डाल देते हैं इसके अंदर, ये खोलो भाई दूध, आई थिंक इतना बहुत है जितना भी अंदर। मुझे बता देना जब भी रुकना हो, मुझे बता देना जब भी रुकना हो। रूप डली जा रहा है, डली जा रहा है, डली जा रहा है, डाली जाऊँ बस, इससे ज्यादा नहीं है, बहुत है इतना। अब ना तुम्हें आइडिया है कि पत्ती उसमें कितनी है, ना तुम्हें आइडिया कि चीनी कितनी है, खुद से अंदाजे से तुम्हें चीजें डाली हैं, खराब हो गया चाय तो। तो ये साथ चाय बना रहा है और मैं आपको किचन के हालात दिखाती हूँ। रेस्टोरेंट में खोलूं साथ चाय वाला, टक्की चाय वाला, कप में डाले यार ध्यान से। भाई आउट का कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा की सेंचुरी बचा लिया कम से कम। फायदा फिर भी कोई नहीं है भाई। भाई रोहित की सेंचुरी हो सकती है, लेकिन वो 86 पे आउट हो गया। तो कुछ नहीं होता सार, अब तो ऐसे होता रहता है। चलो कुछ नहीं होता, टीवी के पास से उठ जाओ सार। यार सार डिप्रेशन में चला गया, क्या कुछ नहीं होता सार, कोई नहीं फिर से आ लेंगे अगली बार। नहीं नहीं नहीं, नहीं पागल हो, और डिप्रेस हो जाएगा, इंशाल्लाह अगली बार हम जीतेंगे। उठ जाओ, चलो कुछ नहीं होता, मुझे पता है तुम्हारा बहुत दिल था पाकिस्तान जीते, लेकिन मैच का सत्यानाश हो गया, एंड तक भी नहीं खेला, मजा नहीं आया यार। लेकिन चलो इससे कम से कम ये साबित हो गया कि आपका भाई पनौती नहीं है, मनुष नहीं है। ज्वाइन कर लेना, मैंने सोचा कि यार आज जो है ना मैच देखते हैं, चिल करते हैं, यहाँ पे व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं कल। ओ काफ़िर।